ओलंपिक का साल है और इस समय हमारे साथ है श्रीजेश, जिनको इस बार का बेस्ट गोलकीपर का जो अवार्ड है वो हॉकी इंडिया की तरफ से मिला है। और हम जानते हैं कि वो किस तरह से एक तरह की एक मजबूत कड़ी है पूरी इंडियन टीम में। आइए उनसे बातचीत करते हैं। आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले तो। थैंक यू वेरी मच। अब सामने ओलंपिक से पहले ऑस्ट्रेलिया का टूर है, उसके बाद प्रो लीग के मैचेस भी उसके बाद हैं, आपकी तैयारी कैसी लग रही है एज अ टीम? देख, अभी हम लोग ऑलमोस्ट टूर्नामेंट तक पहुंच के 4 महीना बचा है और मेरे हिसाब से ये लास्ट स्टेज है जो हम लोग को अपना पूरा स्ट्रैटेजी की एक बार रिहर्स करना है। फर्स्ट रिंग ऑस्ट्रेलिया से टोटल डिफरेंट टीम, जहां पे वो लोग ज़्यादातर अटैकिंग हॉकी खेलता है। उसके बाद हमारा प्रो लीग का 8 मैचेस बचा है, जिसमें एक बेल्जियम और एक इंग्लैंड में होने वाला है। एंड बोथ द टीम्स डिफरेंट स्टाइल ऑफ हॉकी खेलता है। तो एक मैंने इसलिए बोला कि रिहर्सल लगता हूँ कि यही टीम हम लोग को ओलंपिक्स में हम लोग यही टीम को फेस करने जा रहे हैं। और उसके बाद हम लोग जाएगा यूरोप, जहाँ पे शायद हम लोग हॉलैंड के साथ एक या दो प्रैक्टिस मैचेस भी खेलेगा, देन ओलंपिक्स। तो ऑलमोस्ट हमारा प्रिपरेशन पिछले 4 साल से ओवर है। आपको पता है कि लास्ट ओलंपिक्स टू ओलंपिक्स हमारा सर्कल होता है, वो सर्कल में हम लोग अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हैं। एंड दिस इज़ द परफेक्ट टाइम, जो चीज़ हम लोग कोशिश करना चाहते हैं, जो ट्राई करना चाहते हैं, अभी ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट ओलंपिक्स। अच्छा, देखा है कि इंडियन टीम का परफॉर्मेंस जो टॉप टीम्स हैं ऑस्ट्रेलिया बेल्जियम, उसके लिए काफ़ी सुधरा है, उसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? देखा एक द वे ऑफ द गेम, एंड सेकंड वो लोग का एडवांटेज है, क्योंकि एस्ट्रोटर्फ में आपको फिजिकली थोड़ा मैं लग रहा एडवांटेज मिल जाता है, जो वो लोगों का जीन्स डिफरेंट है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मेंटालिटी, क्योंकि वो लोग थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव है, हम लोग थोड़ा सॉफ्ट है, तो कई चीज़ें होता है एक टीम को डिफरेंस बना लेता है। क्योंकि आपको पता है कि जर्मन एक टीम है जो डिफेंस में ज़्यादातर फोकस करता है, वो एक टीम एक गोल मारने के बाद पूरा गेम डिफेंस में निकाल सकते हैं। बट ऑस्ट्रेलियंस ऐसे है कि आप 10 गोल खाओ 11 गोल मारो। तो सब टीम को अपना कल्चर के ऊपर, अपना बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर, अपना एक गेम पैटर्न स्टाइल के ऊपर भी बहुत डिफरेंट होता है। अच्छा, ये भी देख रहे हैं कि इंडियन टीम जो गेम को क्लोज करने पे भी काफ़ी काम नज़र आ रहा है, वो बचा जाते हैं। एशियन गेम्स में भी हमने देखा और पिछले ओलंपिक्स में भी हमने देखा, तो आपको क्या लग रहा है कि आगे इस पर क्या काम हो रहा है? देख, डिफेंस एक मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर है टूर्नामेंट जीतने के लिए, क्योंकि हमारा कोच का भी यही मानना है कि अटैकर्स विन, अटैक विन्स मैचेस बट डिफेंस विन टूर्नामेंट। तो हम लोग को हमारा मोटो भी यही है कि हम लोग एस 11 मेंबर्स डिफेंस करेगा, 11 मेंबर्स अटैक करेगा। तो मेरे हिसाब से वो डिफेंसिव स्ट्रक्चर का हम लोग ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं, उसी की वजह से आपको पता है कि अभी हम लोग ज़्यादातर गोल कंसीड नहीं कर रहे और हम लोग अच्छा तरफ से अटैक में भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मेंटल कंडीशनिंग कोच भी आपके साथ हैं पैडी के, तो उनसे कितना फ़र्क पड़ रहा है? सी, जब हर एक प्लेयर को इंडिविजुअली इश्यूज होता है, कई लोग शेयर नहीं कर पाते हैं, और कई टाइम पे वो लोग डर के शेयर भी करना चाहता भी नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से ऐसा एक बंदा होता है जो न्यूट्रल है, उसके पास हम लोग सब कुछ शेयर कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली पैडी वर्ल्ड कप में भी क्रिकेट टीम के साथ था, जहाँ पे मोस्ट इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, तो ही गॉट इनफ एक्सपीरियंस टू हैंडल आवर प्रेशर। तो मेरे हिसाब से अभी जितना हम लोग हमारा जो सपोर्ट मिला पैडी की तरफ से, दैट वाज एन पॉजिटिव एडेड थिंग टू आवर टीम। आखिरी सवाल, आपने एक जनरेशन देखी है, अब आपको इतना एक्सपीरियंस है एज अ गोलकीपर, आप नेक्स्ट जनरेशन को कैसे देख रहे हैं जो आगे जाके आपकी जिम्मेवारी जब आप इस चीज़ को छोड़ेंगे तब संभाल? हमारा नेक्स्ट जनरेशन है, हमारा जो अभी का टीम है बहुत अच्छा चल रहा है, प्लेयर्स को इनफ एक्सपीरियंस हो चुका है, वो लोग अच्छा मैचेस खेल रहे हैं, वो लोगों को पता है कि प्रेशर हैंडल कैसे करना है, वो लोगों को पता है कि कौन सा टीम के साथ कौन सा मेंटालिटी में खेलना है। तो एक पॉजिटिव साइन है, वो लोग मेच्योरिटी बहुत जल्दी दिखा रहे हैं, क्योंकि हम जब बच्चे थे कि हम लोग हमेशा डर के पीछे हटके करता था सब कुछ, बट आजकल के लड़के लोग सब आगे आके स्टेप इन करके वो लोग ज़्यादातर गेम खेल रहे, वो कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। एंड इवन नाउडेज द टेक्नोलॉजी चेंज, आजकल तो हर एक मैचेस आपके सामने है, हर एक प्लेयर के बारे में आप जानकारी ले सकते हो, तो वो एक नॉलेज प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है ऑन द फील्ड वो लोग को टैकल करने के लिए। तो मेरे हिसाब से इंडियन हॉकी इज इन अ सेफ हैंड नाउ। तो पेरिस के लिए जाने से पहले आप क्या कहेंगे पेरिस ओलंपिक्स के लिए? देख, पेरिस ओलंपिक्स इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल ओलंपिक गेम्स फॉर श्योर, क्योंकि उम्मीद ज़्यादा है हमारे ऊपर। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक मेडल जीता, तो इस बार कोशिश यही रहेगा कि उससे भी बेहतर वाला एक मेडल लेके वापस आ जाए। बट स्टिल इट्स इसी नहीं है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टफ टीम को, ओपोनेंट्स को फेस करना है। बट नथिंग इज इम्पॉसिबल, जस्ट डू योर बेस्ट एंड गो फॉर द ग्लोरी।